दोस्तों नमस्कार, डीएलएस न्यूज के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी अक्सर बाहर आना जाना होता है और पासपोर्ट का उपयोग आप करते हैं तो आज का ये वीडियो एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से 1 जून 2018 से पासपोर्ट में 5 बड़े बदलाव और नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि क्या कुछ लेटेस्ट न्यूज अपडेट और डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं पासपोर्ट से रिलेटेड। इससे पहले दोस्तों, अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आपके वीडियो के नीचे लाल बटन दिया गया फटाफट से इस पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लेना। पास में मिलेगा एक छोटा सा नन्हा सा घंटी का आइकन, उसे जरूर दबाना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। और हाँ, जैसा कि आपको पता है कि हम डीएलएस न्यूज के ऊपर डीएलएस माइंड क्विज प्रोग्राम रन करते हैं, तो इसके तहत आप बन सकते हैं विजेता और जीत सकते हैं एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको पार्टिसिपेट करना और इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी में कुल कितने अंक होते हैं। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनको मिलेगा डीएलएस न्यूज की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट, जिसका गिव अवे हम कमेंट बॉक्स में से रैंडम यूजर सेलेक्ट करके करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, 31 मई 2018 को शाम के टाइम पे अपडेट लगाया गया है कि पासपोर्ट में हुआ ये बड़ा बदलाव पते के प्रूफ में नहीं होगा शामिल और 1 जून से ये नियम जो लागू हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट में बड़ा बदलाव कर दिया है, 1 जून से पूरे देश में लागू होगा। विदेश मंत्रालय एक और कैटेगरी में पासपोर्ट को लॉन्च करेगा, साथ ही अब पते के प्रूफ के तौर पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके पीछे वजह यह है कि दोस्तों पासपोर्ट के पीछे जो पहले पता लिखा हुआ आता था, लेकिन अब वो पते की डिटेल्स जो है पासपोर्ट की वेबसाइट में नहीं मिलेगी, इसके स्थान पर एक बारकोड होगा जिसको स्कैन करके अधिकारी को जानकारी मिल जाएगी। हालांकि ये डिटेल्स पासपोर्ट बुकलेट की एक नई सीरीज पर होगी। इसके अलावा यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक नए कलर में आएगा पासपोर्ट, इसी के साथ पासपोर्ट में एक और कैटेगरी आएगी जिसका कलर अलग होगा। अभी तक विदेश मंत्रालय 3 रंगों में पासपोर्ट को जारी करता है, सफेद रंग वाला सरकारी अधिकारियों के लिए, लाल रंग का डिप्लोमेट्स के लिए और नीला आम जनता के लिए होता है। लेकिन आम जनता को फिलहाल 2 कैटेगरी ECNR और ECR में पासपोर्ट जारी किया जाता है। ECR कैटेगरी में बदलेगा पासपोर्ट का रंग, अब ECR कैटेगरी वालों को ऑरेंज कलर का पासपोर्ट जारी किया जाएगा। इससे एयरपोर्ट पर पहले ही अधिकारियों को पता चल जाएगा कि किसके पासपोर्ट को चेक करेंगे और किसको नॉर्मल वे में जाने देंगे। इसके अलावा हिंदी में बनेंगे पासपोर्ट, बच्चों को मिलेगी 10% छूट, ये 2 बड़े अच्छे नियम है। पासपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में आएंगे। इसी के साथ बच्चे और बुजुर्गों को पासपोर्ट बनवाने के लिए भी सरकार ने खास तोहफा दिया है। अब बच्चों को और 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को पासपोर्ट बनवाने में लगने वाली फीस के अंदर 10% छूट मिलेगी। जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनको भी काफी फायदा होगा। तो उम्मीद है जानकारी और अपडेट आपको मिल गए होंगे। जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक पर शेयर कर दीजिए और डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चंस का जवाब देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।